प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7 ऑफ क्लास 5th टेम्परेट जोन. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लोकेशन ऑफ टेम्परेट जोन. क्लियर है? एनिमल्स लिविंग इन टेम्परेट जोन, प्लांट लाइफ ऑफ टेम्परेट जोन एंड ह्यूमन लाइफ ऑफ टेम्परेट जोन. सो जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेट जोन की लोकेशन क्या है, कौन से एनिमल यहाँ पर हैं, कैसी प्लांट लाइफ है और कैसी ह्यूमन लाइफ है ना. सो इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी नाइसली व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल. इफ यू डोंट नो, जस्ट वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, इट्स अ रिक्वेस्ट. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है? पर मैं यहाँ पर भी ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों लोग यहाँ पर, कि सपोज करो ये 0 degree इक्वेटर है जो हमारे अर्थ को सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. क्लियर होगी बात? 22.5 degree पे जो दो लाइनें जाती हैं इक्वेटर के दोनों साइड में, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिनकी डिग्री क्या होती है बच्चों, 23.5. ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. क्या हो जाएगा बेटा? कैप्रिकॉर्न, ठीक है. तो जिस हम टेम्परेट जोन की बात कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल 66.5, ठीक है, यहाँ तक रहता है. फिर वहीं पर अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी एक्सटेंट क्या है, तो 23.5 से लेके 66.5 एंटार्कटिक सर्कल. तो क्या एक्सटेंट होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्कटिक सर्कल, ठीक है. तो अब हम देख लेते हैं हमारी बुक में क्या लिखा है कि ये जो टेम्परेट जोन है वे कहाँ पर होता है? टेम्परेट रीजन में. टेम्परेट रीजन कहाँ पर है मैंने आपको बता ही दिया. और ये रीज़न कैसा होता है? नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा. अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी डिग्री है 23 नॉर्थ से आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ, कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से कहा था? कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्कटिक सर्कल था. हमने पढ़ा था कि 0 to 5 degree, हमने क्या पढ़ा था? 0 to 6 degree पढ़ा था. तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन. क्या होता है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन. फिर लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 15 to 30 degree, तो 15 to 30 degree में क्या होता है बेटा? हॉट डेजर्ट, है ना. तो अब की बार अब हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहे हैं? 23.5 to 66.5. तो ये कौन सा एरिया है बेटा? टेम्परेट ग्रासलैंड वाले एरिया. यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? ग्रासलैंड, ठीक है. यहाँ पर आपको हाई माउंटेन्स और ट्रीज़ बहुत कम देखने को मिलेंगे. यहाँ पर हाई माउंटेन्स भी नहीं होंगे और ट्रीज़ भी नहीं होंगे. बेसिकली ये एरिया किसको कवर करता है? ग्रासलैंड्स को कवर करता है, ठीक है. जो बात मैंने भी आपको डायग्राम से बताई, अब हम वो बात कैसे देखेंगे? मैप के थ्रू. तो ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये रहा हमारा एंटार्कटिक सर्कल, और ये रहा हमारा आर्कटिक सर्कल. तो ये जो बेल्ट है हमको इस बेल्ट को पढ़ना है. किसको पढ़ना है? इस बेल्ट को पढ़ना है. ये मैप थोड़ा सा नीचे आ जाता तो ये एरिया भी यहाँ तक है, ठीक है. फ्रॉम कैंसर टू आर्कटिक, कैप्रिकॉर्न टू एंटार्कटिक सर्कल. अब मुझे बात बताओ, देखो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये एशिया, ये अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है. तो हमको इन चारों जगह पे क्या दिख रहे हैं? ग्रासलैंड्स दिख रहे हैं ना बच्चा लोग. तो ये है पम्पास नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, पम्पास साउथ अमेरिका में, स्टेपिस एशिया में, अफ्रीका में क्या है? वेल्स है, और डॉन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में. तो ये 5 ग्रासलैंड्स को हमको पढ़ना है. क्लियर होगी बात? डिग्री भी मैंने आपको बता दी. अच्छा, यहीं पर मैप में एक बात और आप लोग देख लो कि हमको नेक्स्ट पैराग्राफ में काम आने वाली है कि व्हेन वी कंपेयर द सदर्न हेमिस्फीयर ग्रासलैंड टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ग्रासलैंड, व्हाट डिफरेंस यू आर सीइंग. जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन क्या डिफरेंस दिख रहा है. वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे क्या दिख रहा है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, फिर मैं बताती हूँ, है ना. चलो वीडियो को ऑन करो. क्या डिफरेंस है इसमें कि जो ये जो सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी ग्रासलैंड है कैसे छुटकू छुटकू के बारीक बारीक से हैं ना, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ग्रासलैंड है उनका साइज़ कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है.
आई थॉट यू आर गेटिंग माई. सो जितने भी ये ग्रासलैंड्स हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है. तो प्रेरीज कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है. स्टेपिस कहाँ पर है, रशिया में है. पेम्पास कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है. वेल्ड कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है. और डाउन कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है. तो मुझे बताओ, देखो नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट, रशिया एक कंट्री, फिर साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट, फिर साउथ अफ्रीका एक कंट्री, और ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है. तो अगर कोई पूछता है स्टेपिस किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, तो क्या बताओगे, किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, एशिया. और अगर कोई पूछता है वेल्ड किस कॉन्टिनेंट के अंदर आएगा, तो क्या बताओगे बच्चा लोग, अफ्रीका. क्लियर हो गई बात. यहाँ पे पता नहीं क्यों इन लोगों ने ऐसे कॉन्टिनेंट कंट्री मिक्स करके दिया है. अगेन रिपीट विथ मीन्स, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपिस इन रशिया, पेम्पास इन साउथ अमेरिका, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. So, when we talk about the northern hemisphere grassland and southern hemisphere grassland, I shown you a difference that in northern hemisphere grassland chote chote the, southern hemisphere mein grassland thode bade bade the. Northern hemisphere mein grassland bade the aur southern hemisphere mein grassland chutku chutku se the, theek hai. Northern hemisphere mein bade bade grassland hai aur southern hemisphere mein chutku chutku se grassland hai, theek hai. फिर दूसरा हम लोग को देख, हम लोग एक डिफरेंस और मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रासलैंड है वो उनका एल्टीट्यूड थोड़ा सा हायर है एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर ग्रासलैंड. अब ये कैसे है मैम, आपको हमको ये बताओ. और लेटिट्यूड्स क्या होते हैं, तो मैंने पहले बोला कि पहले प्रीवियस वीडियोस को देख. सी वेन, देखो यहाँ पर ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो देखो जितनी भी ग्रासलैंड दिख रही हैं सारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास दिख रहे हैं तुमको, दिख रहे हैं ना. पर वहीं पर अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हायर एल्टीट्यूड पे जा रही है, तो देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितना डिफरेंस, कितना ऊपर है ये. और ये भी अगर यहाँ पे टच भी कर रहा है बेटा, तो देखो ऊपर कितना ज़्यादा है. तो जितना आप ऊपर जाते जाओगे इक्वेटर से, आप उतने हायर लैटिट्यूड्स पे जा रहे हो. किस पे जा रहे हो, हायर लैटिट्यूड्स पे. तो इसीलिए इन लोगों ने बोला है कि सदर्न हेमिस्फीयर में लोअर लैटिट्यूड्स पे हैं ग्रासलैंड, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हायर लैटिट्यूड्स पर हैं ग्रासलैंड. क्लियर है. अब ये बात आपको क्लियर हो गई, साइज लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड हायर लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लोअर लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर, साइज बिग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साइज लो इन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट कैसा होता है टेम्परेट जोन का. क्या की बात करने वाले हैं बच्चा लोग, अब हम क्लाइमेट कैसा होता है टेम्परेट जोन का, ठीक है. तो क्लाइमेट कैसे होता है, फिर से मैं आपको मैप की तरफ ले जाऊंगी, पर मैं पहले यहाँ पे बता देती हूँ कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लाइमेट है वो बेटा कैसा है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है. कैसा है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना. और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा है क्लाइमेट, अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो कैसा है क्लाइमेट, नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यहाँ पर नाइदर वेरी हॉट है नॉट वेरी कोल्ड है, तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं. फिर से हम मैप की तरफ चलते हैं, ठीक है. बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर कि ये जो एरिया होता है इसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया. किसको बोलते हैं कोस्टल एरिया, वो एरिया जो सी के पास में है, वो एरिया जो सी से टच करता हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया. तो देखो जो पास है वो भी कोस्टल एरिया पे है, वेल्ड भी कोस्टल एरिया के पास में है, और डॉन भी कोस्टल एरिया के पास है. पर वहीं पर अगर हम प्रेरीज की बात करते हैं, तो देखो कॉन्टिनेंट के बीच में है ना, और जो स्टेपिस है ये भी बिल्कुल कॉन्टिनेंट के बीच में है. बहुत कम ओशन है जो इनको टच कर रहा है, इतना जो जो बड़ा पार्ट है वो तो लैंडलॉक्ड पार्ट है, कहीं पे भी ओशन नहीं है, बस इतने से पार्ट में है ये. और यहाँ पर तो पूरा लैंडलॉक्ड है प्रेरीज. तो बात ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट, इनके क्लाइमेट पे काय का इफेक्ट आएगा कॉन्टिनेंट का, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के अंदर है. तो ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द कॉन्टिनेंट. पर वहीं पर हम इनकी बात करें तो ये तो बच्चे लोग कोस्टल एरिया पे हैं, और जो भी कंट्रीज जो भी सिटीज़ कोस्टल एरिया पे होती हैं वहाँ की क्लाइमेट में बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है. नाइदर दे आर वेरी हॉट नाइदर दे आर वेरी कोल्ड. और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड बिकॉज ऑफ सी ब्रीज. इफ़ यू डोंट नो अबाउट लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जस्ट राइट इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन लैंड ब्रीज सी ब्रीज, वॉट इज कोस्टल एरिया, एडवांटेज ऑफ कोस्टल एरिया. तो है ना, एक बार कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी.
तो इस मैप में मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि ये कॉन्टिनेंट के इंटीरियर एरियाज़ में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी ग्रासलैंड है वो इंटीरियर एरियाज़ में है, इसीलिए इनका टाइप कैसा है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ये कोस्टल पे हैं इसीलिए नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। और क्यों ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडे नहीं है, बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। नहीं पता है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। सो यहाँ पर क्या लिखा है, ये कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स में है इसीलिए इनका टाइप कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। चिनूक जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में चलती है ना, लू भैया लू लग जाएगी, बहुत गर्म हवाएं, वैसे ही अमेरिका में क्या चलती है बेटा, चिनूक चलती है ना। नॉर्दर्न अमेरिका में क्या चलती है, चिनूक, हमारी लू की तरह ही होती है। तो जैसे ये रहा ग्रासलैंड, ये क्या है, पूरा ग्रासलैंड है, यहाँ पर ग्रासेस लगी हैं छोटी छोटी। क्या होता है, ठंडी पड़ने के कारण इनके ऊपर एक लेयर काई की जम जाती है बच्चा लोग, आइस की। तो इस आइस की लेयर को पिघलने का मतलब मेल्ट करने का काम कौन करती है, चिनूक, जिससे क्या होती है आइस मेल्ट हो जाती है और ये घास ग्रेजिंग के लिए रेडी हो जाती है। मतलब जितने भी कैटल्स होंगे वो उसको ग्रेज कर पाएंगे बर्फ के साथ, तो वो उसको खा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ग्रेजिंग पॉसिबल करने के लिए यहाँ पर चिनूक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और चिनूक क्या है, विंड, हॉट विंड है, जैसे इंडिया की लू है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा होता है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ बिकॉज ऑफ नियर बाय कोस्टल एरिया, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है। जैसे हमारा मुंबई है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो कोस्टल एरिया के पास है, सेम। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट लाइफ की, किसकी, प्लांट लाइफ की, तो टेम्परेट ग्रासलैंड कैसे होते हैं बेटा, जनरली ट्री लेस, यहाँ पर ट्री बहुत कम होते हैं, ठीक है। ट्री सिर्फ वहाँ पर होंगे जहाँ या तो रेनफॉल होगी या कोई वाटर बॉडी, कोई शेर लेक हुई, कोई ओशंस हुई, कोई रिवर्स हुई, उसके आसपास अगर होंगे तो वहाँ पर आपको ट्री मिल जाएंगे। अदरवाइज टेम्परेट ग्रासलैंड में ट्री बहुत ज़्यादा नहीं होते, और कई बार फार्मर्स उनको ग्रो करते हैं नियर बाय देयर फार्म एरिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्रासलैंड की, तो इनका कैरेक्टर वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्रेरीज में ज़्यादा रेनफॉल होती है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज है, प्रेरीज में ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो ग्रासेस कैसी होती है, ऑब्वियसली बातें लंबी होती होंगी। स्टेपीज में रेनफॉल कम होती है, तो वहाँ पर ग्रासेस कैसी है, शॉर्ट है। और अपेयरेंस भी ग्रास की चेंज होती है सीजन टू सीजन। स्प्रिंग में ग्रास कैसी होती है, फ्रेश ग्रीन। समर में कैसी हो जाती है, ब्राउन। और फाइनली विंटर आते आते तक तो वो ख़त्म ही हो जाती है। अल्फा अल्फा एक कॉमन टाइप की ग्रासलैंड है जो कैटल को फीड कराने के लिए ये लोग उगाते हैं। क्लियर होगी बात। और एक बात प्लीज़ 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 रिमेंबर, राइस एंड वीट। व्हाट, राइस एंड वीट, क्या बात कर रही हूँ बेटा, जो राइस और वीट है ये किस फैमिली का पार्ट है, ग्रास फैमिली का, किसका पार्ट है, ग्रास फैमिली का पार्ट है। क्लियर हो गई बात, राइस और वीट किसका पार्ट है, ग्रास फैमिली का। तो अभी तक हमने देखा कि क्या देखा बच्चे, अभी तक हम लोगों ने देखा प्लांट लाइफ कैसी है, लोकेशन कहाँ पर, अब हम जाते हैं एनिमल लाइफ में। तो ग्रासलैंड से कहीं कहीं पर ट्रीज भी मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको इनफ अमाउंट में आपको एनिमल लाइफ मिलेगी, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो कुछ लार्ज एनिमल मिलते हैं, जैसे बिजन, ग्रिजली बियर्स। आई शो यू ग्रिजन एंड ग्रिजली बियर फोटोज, है ना, मैं भी आपको सबको फोटो दिखा दूंगी, इसलिए डोंट वरी, वीडियो के एंड में आपको सारे स्नैप सारे फोटोज दिखा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ समझने पे ध्यान रखो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या मिलता है, बिजन, ग्रिजली बियर्स, कुछ वुल्फ्स, जैसे एक था टाइगर में देखे ना वुल्फ, कुछ वुल्फ फायर्स एनिमल जैसे वुल्फ भी मिलता है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या मिलता है, लामास, एनाकोंडा मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम ग्रासलैंड की बात करें तो कैंग्रूज, वॉलाबी, स्कोलास, देखो वॉलाबी का डायग्राम तो यहाँ पर दिया भी हुआ है। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड जैसे सोलो, वो भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और टेम्परेट जोन को अपना घर बनाते हैं कौन कौन, वलाबी, शॉलो, कोलास एक्सेट्रा। हाइबरनेट एक साइंस का टर्म है, मीन्स लॉन्ग स्लीप। जब आपका फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होता तो आप बहुत टाइम तक क्या करते हो, स्लीप करते रहते हो। यहाँ पर कुछ छोटे एनिमल भी मिलते हैं जैसे स्क्विरल और हैचहॉग। तो बेसिकली एनिमल इज अवेलेबल इन इनफ क्वान्टिटी देर, वोलाबीज हैं, कैंगरूज हैं, ग्रिजली बियर्स हैं, बीजन हैं। और डोंट वरी, वीडियो के एंड में मैं इन सब का फोटो आपको दिखाने वाली हूँ, जो कुछ कुछ नए नए हैं ना, जो आप लोगों ने नहीं देखे हैं, ठीक है। आफ्टर प्लांट, आफ्टर एनिमल, आफ्टर लोकेशन, अब हम कहाँ पर आ गए हैं बच्चे लोग, कहाँ पर आ गए हैं, ह्यूमन लाइफ पर, है ना, यहाँ की ह्यूमन लाइफ कैसी है, ठीक है। तो यहाँ की अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें
तो जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर कैरी की जाती हैं, तो फर्स्ट एक्टिविटीज़ तो यहाँ पर क्या होगी, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी क्रॉप्स जैसे वीट, बारले, रे, फ्लेक्स, ओट। मैडम वीट तो पता है, पर बारले, रे, फ्लैक्स और ओट तो हमको पता नहीं है, तो मैम आपको डायग्राम दिखा देगी वीडियो के एंड में, तो जस्ट वेट एंड वॉच। अभी समझने पे ध्यान दो, मैं सारे डायग्राम्स आपको दिखा दूंगी। इस एरिया को हम नॉर्थ अमेरिका की जो प्रेरीज वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड। वाई प्रेरीज आर नोन एज ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड, और वाई नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज द ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, फूड क्रॉप्स को ग्रो करती है बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में। और यहाँ पर जो कल्टीवेशन है वो कैसे होता है, एक्सटेंसिवली इन मैकेनाइज्ड फैशन का, ऐसे नहीं मैनुअल लगे हैं कुछ भी करने, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, ऐसा वहाँ पर नहीं है, एक्सटेंसिवली मैकेनाइज्ड फैशन में वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। और वहाँ पर मशीन्स जिसका नाम है कंबाइन हार्वेस्टर का भी यूज़ किया जाता है टू हार्वेस्ट द क्रॉप। अब कंबाइन हार्वेस्टर भी जिस बच्चे ने नहीं देखी, मैं वीडियो के एंड में दिखाने वाली हूँ, तो शांति रखें और समझने पे ध्यान दें, मैं वीडियो के एंड में सब कुछ दिखाऊंगी आपको। वीट और कहाँ कहाँ ग्रो होता है, एशिया में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, क्लियर होगी बात। तो मेजर एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर। और ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड हम किसको बोलते हैं, स्टॉप द वीडियो राइट इन कॉमेंट सेक्शन, किसको बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका को। और ये किस लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैकेनाइज फैशन में प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर एक मशीन का यूज़ होता है जिसको कंबाइन हार्वेस्टर हम बोलते हैं, जिसका डायग्राम मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाने वाली हूँ। अब एग्रीकल्चर तो होता है, एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पर क्या क्या होता है, तो यहाँ पर होती है लाइव स्टॉक रेंचिंग, क्लियर होगी बात, क्योंकि ग्रास है। अब देखो ग्रास कौन खाते हैं, कैटल्स खाते हैं, शेप, गोट्स, ऑक्सन, बफेलोज और काउस, है ना, बीसन्स, तो इन सब के लिए ग्रासलैंड है। तो ग्रासलैंड होगा तो लाइव स्टॉक रेंचिंग ऑब्वियसली बात ही होगी। यहाँ पर एक अल्फा, अल्फा मैंने पहले भी बताया है, एक ऐसी ग्रास को ग्रो किया जाता है जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। यहाँ पर जो काउबॉयज होते हैं नॉर्थ अमेरिका में, वो स्किल्ड हॉर्स राइडर्स भी होते हैं जो कैटल्स की केयर करते हैं फॉर्म्स में, और इन फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, रेंचेस। तो कोई पूछता है रेंचेस क्या है, तो रेंचेस क्या है बेटा, कैटल फॉर्म है, क्या एक फॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे कैटल्स को रखा जाता है, ठीक है। तो रेंचेस क्या है, रेंचेस, रेंचेस का मतलब क्या हुआ, वो काउबॉयज, रेंचेस कौन है, वो काउबॉयज जो कैटल्स की और फॉर्म्स की देखभाल करते हैं, जिनको हॉर्स राइडिंग भी आती है। अगेन कोई पूछता रेंचेस क्या है, तो रेंचेस क्या है, अनदर नेम फॉर काउबॉयज, काउबॉयज हु लिव इन नॉर्थ अमेरिका, और जो कैटल की देखभाल करते हैं, दे आर कॉल्ड गोचोस, 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 क्या बोलते हैं इनको, गोचोस, याद रखना क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, गोचोस, है ना। साउथ अमेरिका में इनको क्या बोलेंगे, गोचोस, साउथ अमेरिका में क्या बोलते हैं, गोचोस। नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलते हैं, कैटल्स। काउबॉयज इन नॉर्थ अमेरिका राइड हॉर्सेज एंड टेक केयर ऑफ द कैटल इन फॉर्म कॉल्ड रैंचेस, ठीक है। साउथ अमेरिका में क्या बोलते हैं उसको, गोचोस। और जो एनोरोमाउस फॉर्म होता है, जो फॉर्म जो होता है जो बहुत बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, एस्टेंशियस। दिस काउबॉयज आर स्किल्ड हॉर्समैन, इन काउबॉयज को बहुत ही, बहुत ही स्किल्ड हॉर्समैन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, बहुत ही स्किल्ड हॉर्समैन होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एस्टेंशियस किसको बोलते हैं हम, इनोरोमाउस फॉर्म, वो फॉर्म जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, इनोरोमाउस है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेंशीज, ठीक है। ये काउबॉयज हमेशा स्किल्ड हॉर्समैन होते हैं। अर्जेंटीना इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर करना मतलब अपने सामान को किसी दूसरी कंट्री में सेल आउट करना। जब हम कंट्री में सेल करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, सेल, पर जब हम हमारे सामान को किसी दूसरी कंट्री में सेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोर्ट। तो जो अर्जेंटीना है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है मीट और लेदर का। अगर आपके पास बीजन होगी, काउ होगी, बफेलियो होगी, तो आपके पास लेदर ऑब्वियसली बातें हो गई, और मीट मतलब उनको मारकर जब हम उनके ईटेबल्स को निकाल लें तो वो क्या हो गया, मीट, ठीक है। वहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग भी होती है, नोमैडिक मतलब कुछ ट्राइब्स होती हैं जो वहाँ पर किसका काम करती हैं, नोमेडिक हर्डिंग का काम करती हैं, ट्रीप है। एक एग्जांपल है उस ट्राइब का, किर्गिस का, क्या है, किर्गिस। किर्गिस कहाँ पर मिलेगी, स्टेपीज में मिलेगी, जो क्या करती है, ऑक्स होती है, उनके पास शिप होती हैं, गोट्स होती है और हॉर्सेज होते हैं, ठीक है।
पर अब वो लोग भी एक सेटल्ड लाइफ जीते हैं। पहले ये नॉमेडिक हर्डिंग करते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, पर अब उनकी लाइफ भी कैसी हुई, सेटल्ड। दूसरी ट्राइब को हम क्या बोलते हैं, हॉटेंटोस। हॉटेंटोस कहाँ पर मिलेगी बेटा आपको, साउथ अफ्रीका में। किर्गिस कहाँ पर मिलेगी, याद रखना, रशिया में स्टैब्लिश, ठीक है, एशिया में। और है हॉटेंटोस कहाँ मिलेगी आपको, साउथ अफ्रीका में, जिनके पास भी कैटल, गोट और शिप होती है। पहले जो अमेरिका के अमेरिकन इंडियंस थे वो भी ट्राइब के अंदर ही आते थे, पर अब वो सेटल्ड अमेरिका का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मॉडर्न अमेरिका का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन कमेंट सेक्शन, प्लीज़ 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 राइट इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल क्लियर योर डाउट। वॉच कंप्लीट वीडियो, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर्स दैट आई प्रोमिस्ड। तो बच्चे लोग, पहले तो आप देखो ग्रासलैंड, ये रहा ग्रासलैंड, ठीक है, क्या है, ग्रासलैंड है, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि ये क्या है बच्चे लोग, ओट्स है। ये काय का डायग्राम है, पिक्चर है ओट्स का, ठीक है। आजकल वैसे भी हम लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो हम ओट्स बहुत ज़्यादा, ओट्स के बाद एक और हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड है जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्स। तो ये क्या है बच्चा लोग, फ्लैक्स है। अपनी मम्मियों को दिखाना, मम्मी बताएंगी। इसको हिंदी में बोलते हैं अलसी। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, हमको इसको खाना चाहिए, ठीक है। नाउ इट्स अ रे, क्या है बच्चे लोग, ये रे है, क्या है ये रे, रे ये वीट की तरह ही होता है, पर इसका कलर कैसा होता है बच्चे, ग्रीन होता है। ये रे है, वीट की तरह ही होता है, पर इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। मशीनरी, इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर। ये क्या है, कंबाइन हार्वेस्टर। ये अब इंडिया में भी यूज़ होती है कंबाइन हार्वेस्टर, पर जब हम ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की, यहाँ पर बहुत टाइम पहले से यूज़ होती है। वहाँ के जितने भी फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नेचर के हैं, कौन सी सॉइल किस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सूटेबल है वो सब ये जानते हैं, किस तरीके से कितने मैकेनाइज्ड फैशन में हमको किस मशीन का यूज़ करना है वो भी उनको नॉलेज है। तो हियर वी हैव कम्प्लीटेड अवर चैप्टर। वन मोर डायग्राम आई हैव टू शो यू, दैट इट इज सॉलो, इट्स अ बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड, क्लियर है, ये माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है। और ये है बिसन, ये मुझे बफेलो की तरह दिखता है, आप लोग मुझे बताना आपको किसकी तरह दिख रहा है, ग्रिजली, सॉरी ग्रिजली नहीं, बिसन है। ये रहा ग्रिजली बियर, ठीक है। सो आई होप ऑल व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड इज क्लियर टू यू, इफ नॉट जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन।